नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा 25 खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अर्नब और अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए, जल्द सुलझेगा भारत चीन सीमा विवाद। लद्दाख में दोनों देश सैनिकों को पीछे हटाने पर हुए सहमत। बहरीन के पीएम प्रिंस खलीफा का निधन, दुनिया में सबसे लंबे समय तक रहे प्रधानमंत्री। बिहार चुनाव के नतीजों पर गिरिराज बोले, कहा आज नहीं तो कल राज्य में होगा भाजपा का सीएम। भाजपा की जीत के बाद गिरिराज सिंह ने शेयर की उम्मीद, तेजस्वी को किया रन आउट। बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान, कहा सत्ता विरोधी लहर के दावे झूठे, नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बिहार चुनाव में भाकपा माले हुई मालामाल, दशकों के संघर्ष के बाद मिली बड़ी कामयाबी। बिहार में जीरो पर आउट होते होते बची चिराग की लोजपा, मटिहानी में 333 वोटों से जीता प्रत्याशी। हार के बाद चिराग पासवान का बयान, कहा राज्य में नीतीश को समर्थन नहीं लेकिन केंद्र में पीएम मोदी के साथ खड़े। बिहार चुनाव में लंदन रिटर्न पुष्पम प्रिया चौधरी की करारी हार, नहीं खुला खाता। नीतीश को दिग्विजय का ऑफर, देश बचाने के लिए भाजपा का साथ छोड़ तेजस्वी का दे साथ। उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, शिवराज कैबिनेट के 9 मंत्री जीते और 3 हारे। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी, चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे रही भाजपा। मोदी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, LTC कैश वाउचर योजना के तहत कर्मचारियों को मिली बड़ी सुविधा। देश में मोदी लहर बरकरार, 11 राज्यों की 59 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली 40 सीटें। केंद्र का बड़ा फैसला, डिजिटल मीडिया सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन। कैबिनेट समिति ने देश में ढांचागत सुधार के लिए योजना को दी मंजूरी, लागत 8100 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, उत्पादन से जुड़े 10 क्षेत्रों को 2,00,000 करोड़ रुपए की मिलेगी प्रोत्साहन राशि। पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन में लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, चिकित्सकों ने जताई चिंता। रिटेल सेक्टर में भारी डिस्काउंट से तहलका मचाने के लिए तैयार अंबानी, अमेजन फ्लिपकार्ट को देंगे टक्कर। बिहार में जीत से खुश AIMIM, अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी लड़ेगी चुनाव। रोहित बोल्ट का तूफान, मुंबई ने 5वीं बार जीता IPL का खिताब, दिल्ली की हार। KL राहुल के सिर सजी ऑरेंज कैप, इस सीजन में बनाए 670 रन। कगिसो रवाड़ा को मिली पर्पल कैप, इस सीजन में लिए 30 विकेट। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गंभीर का बड़ा बयान, कहा रोहित को अगर भारत का T20 कप्तान नहीं बनाया गया तो यह शर्मनाक और नुकसानदेह है।